ट्रेन का सफर और महंगा हो सकता है। इस बार रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि इस बार लोकलुभावन घोषणाओं से ज्यादा जोर यात्रियों को सुविधाएं देने पर ही रहेगा। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन ईयर वन टुक अ डिसीजन दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी रनिंग आफ्टर दिस चीप पॉपुलिज्म बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड देयरफॉर दिस बिजनेस ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट्स मस्ट गिव वे to creation of a railways as a service organization which is able to commercially sustain itself and provide a world class service itself so the concentration really would have to be on the quality of infrastructure the quality of our railway stations wahi rail kiraya tay karne ka kaam bhi ab sarkar apne paas nahi rakhna chahti iske liye ek rail development authority banane ki taiyari shuru ho gayi hai यह अथॉरिटी एक स्वतंत्र रेगुलेटर की तरह काम करेगी और इसके तीन प्रमुख काम होंगे। पहला, रेल किराए को तय करना। दूसरा, रेलवे के परफॉर्मेंस संबंधी स्टैंडर्ड सेट करना। और तीसरा, अलग अलग संस्थाओं के साथ विवाद का निपटारा करना। खास बात यह है कि सरकार इस अथॉरिटी को लाने के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं करेगी। इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से लाया जाएगा, यानी कैबिनेट के पास करते ही रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेलवे के साथ साथ उससे जुड़ी सुविधाओं के सुधार पर भी ध्यान देगी। वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि सुविधाओं के लिए यात्रियों को उसकी कीमत भी देनी होगी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच एनी एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट इज टू बी रन इफ यू प्रोवाइड सर्विसेज The first essential principle is that the consumers must pay for the services that they receive. वित्त मंत्री ने साफ किया कि जैसे हवाई सफर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के लिए यात्रियों से कीमत वसूली जाती है, वैसे ही रेलवे को सफल बनाने के लिए भी ये कदम जरूरी है। फिलहाल रेलवे हर टिकट पर यात्रा का 57% किराया वसूलती है और बाकी की रकम पर सब्सिडी दी जाती है।